अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्द ही एक रुपए के नए नोट को सर्कुलेट कर सकता है। साथ ही देश में एक रुपए का पुराना नोट और पुराने सिक्के भी पहले की तरह बाजार में चलते दिखाई दे सकते हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने पिछले साल 8 नवंबर को 500 और 1000 रुपए के नोट बैन कर दिए थे, जिसके बाद 500 के नए नोट बाजार में आए थे। ठीक उसी तर्ज पर अब एक रुपए का पुराना नोट भी बाजार में आने वाला है। इन नोटों का प्रिंट सरकार जल्द ही करेगी। इस नोट का रंग पिंक ग्रीन होगा। नए नोट पर एक रुपए का सिक्का छपा हुआ होगा। आरबीआई ने कहा कि कॉइनेज एक्ट 2011 के तहत इन नए नोटों को कानूनी मान्यता मिलेगी और इन नोटों पर इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी शशिकांत दास के हस्ताक्षर होंगे। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।